फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी बहन सभी को स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हेल्थ में होंगे, अपने परिवार का ख्याल रखते होंगे। तो ये क्या, मुझे तो समझ में नहीं किस ढंग की शादी है। इसके पहले भी जो रिश्ता आया उसमें रोका हो गया, शगन हो गया, सब हो गया, फिर अब कुंडली मिलाई गई, वो कुंडली नहीं मिली, बस शादी ख़त्म। अब ये दूसरी रिश्ते जो आई है इसमें भी वही सेम चीज़ हो रहा है, रोका हो गया, उसके बाद अब कुंडली मिलाई जा रही है। तो ज़्यादातर तो शादी में हम देखे हैं कि मैक्सिमम टाइम ये शगन ये सब होने के पहले कुंडली मिलाई जाती है, पहले लड़का लड़की गुण मिलाए जाते हैं, उसके बाद फिर आगे का प्रोसीडिंग चालू होता है। तो यहाँ तो सब उल्टी गंगा बहती है भाई। ये क्या, पहले सब शगन अगन हो जा रहा है, उसके बाद फिर कुंडलियाँ मिलाई जा रही है, और ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि बस मन मिल गया है पर कुंडली तो मिलानी चाहिए क्योंकि बच्चों के फ्यूचर की सवाल है। अरे ये क्या बात होती है। और राधिका, हमारे घर में जब मेहमान आते हैं ना तो हम उनको बिना पूछे पानी का गिलास सामने रख देते हैं टेबल पे कि उनका जब मन करेगा तो पियेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं पियेंगे। हम उनसे 10 बार पूछते नहीं हैं कि पानी पीजिएगा। ये तो मैं तुम्हें 2-3 व्लॉग में फॉलो की हूँ, कोई भी आता है तो उनसे पूछ के फिर तुम पानी देती हो। अगर वो बोले कि नहीं नहीं पीना है तो तुम तस से मस नहीं होती, मैं कोना पकड़ के बैठी रहती हूँ। और तुमको हुआ क्या है, तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे समर को हटा के तुमसे किसी और से शादी करवाया जा रहा है। वो गुनगुन की शादी का रिश्ता आ रहा है, गुनगुन की शादी होगी, तुम्हारी नहीं होगी। तुम इतनी अपसेट क्यों हो जा रही हो कि तुमको सदमा लग गया है कि गुनगुन कनाडा शिफ्ट हो जा रही है? तुमको वो चीज़ का सदमा तो नहीं लग गया ना कि हाय हाय गुनगुन की शादी हो जा रही है, गुनगुन तो चली जाएगी कनाडा और मैं यहीं दिल्ली में पढ़ी, समर भाई के यहाँ पे यहाँ पढ़ी रहूँगी? तुमको ये चीज़ की चिंता तो नहीं हो जा रही है ना, क्योंकि तुम बहुत अपसेट मुझे लगने लगी हो, शक्ल से तुम खुश नज़र नहीं आती। तुम पता नहीं क्या हुआ है, क्या माजरा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, पर ये बहुत झोलझाल सा लग रहा है कि सब हो जाने के बाद फिर ये कुंडली वुंडली का फिर से चक्कर चालू हो जाता है। भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, ये होता है क्या है फ्रेंड्स? ये क्या आप लोग में क्या ऐसा होता है कि सब हो जाने के बाद फिर कुंडलियाँ चालू होती है बिछवानी? क्योंकि हमारे में तो पहले कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं, अगर कुंडली मिलाई जाती हो तो कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं और उसके बाद ही फिर रोका शगन जो भी है वो होता है, उसके पहले तो कुछ नहीं होता। अब पता नहीं उल्टी गंगा बह रही है तो वो उल्टी गंगा में हम भी डुबकी मार लेते हैं। तो चलिए, जिसको आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।